कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था इसको कि कभी नहीं डूबे, क्योंकि उसको मालूम चला कि लग्जरी क्रूज लाइनर टाइटैनिक अपनी पहली वॉयज, उसने अपने कुत्ते को इतना प्यार किया कि आप सोच भी नहीं सकते। ईश्वर ने आपके लिए क्या माया जाल रचा है, ये जो होता है अच्छे के लिए होता है। टाइटैनिक 1912 में टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा और आखिरी यात्रा करी। कभी ना डूबने वाला जहाज कहा जाता था इसको कि कभी नहीं डूबेगा, लेकिन इसके पीछे एक शानदार कहानी मैं आपको सुनाऊंगा, आपको जिंदगी में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टाइटैनिक डूब गया आइसबर्ग से टकराकर। आइसबर्ग बर्फ का पहाड़ जो जितना ऊपर होता है उससे 100 गुना पानी के भीतर होता है। तो टाइटैनिक ने अपनी यात्रा शुरू करी 1912 10 अप्रैल वेडनेसडे बुधवार के दिन। जब टाइटैनिक अपनी यात्रा पर निकला तो उससे पहले टिकट बुकिंग हुई कि कौन कौन जाना चाहता है। एक आदमी जिसका नाम क्लार्क था, स्कॉटिश फार्मर थे, किसान थे, तो इनको बड़ा चस्का था कि मैं टाइटैनिक पर जाऊं। 5 बच्चे एक बीवी सबकी टिकट बुक करी। जितना पैसा था जिंदगी में सेविंग थी, जितनी जमा पूंजी थी सारी इकट्ठी करी और टाइटैनिक का टिकट बुक किया अपने 5 बच्चों और बीवी के साथ, अपना 60 टिकट। 60 टिकट बुक किया और उस दिन का इंतजार करने लगा कि कब मुझे मौका मिलेगा टाइटैनिक पर राइड करने का, क्योंकि उसको मालूम चला कि लग्जरी क्रूज लाइनर टाइटैनिक अपनी पहली वॉयज पे जा रहा है, पहली यात्रा पे जा रहा है, तो मैं उसका हिस्सा बनना चाहता हूं, उस अमीर लोगों के बीच में बैठना चाहता हूं, देखना चाहता हूं दुनिया को। जितनी जीवन की पूंजी थी लेडीज एंड जेंटलमैन, जितना पैसा उसके पास था सारा इकट्ठा किया, 60 टिकट बुक करी। टाइटैनिक रवाना होने से 7 दिन पहले उन्हीं के पालतू कुत्ते ने उन 5 में से 1 बच्चे को काट लिया। उन्हीं के पालतू कुत्ते में से ने एक बच्चे को काट लिया। बीवी ने कहा, स्कॉट हम नहीं जा सकते, मैं इसको बीमार हालत में छोड़ के नहीं जाऊंगी, तो तुम ऐसा करो बाकी के 4 बच्चों के साथ टाइटैनिक पे चले जाओ। मैं जा नहीं सकती, ये बीमार है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुत्ते ने इसको काटा है। अब क्लार्क के मन में बड़ी दुविधा हुई, बड़ी धर्म संकट हुआ कि मैं अपने उस बीमार बच्चे को छोड़कर कैसे। लेकिन मन बड़ा था क्योंकि जिंदगी भर की पूंजी क्लार्क ने वहां लगा रखी थी। सोचता रहा, करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, अंत में अपने दिमाग में पूछा कि चल छोड़ यार, बच्चे को छोड़कर जाना ठीक नहीं है। अप्रैल 10, 1912 टाइटैनिक सेल्ड फ्रॉम साउथपॉइंट पोर्ट इन हैम्पशायर इंग्लैंड। इंग्लैंड से यूएसए के लिए टाइटैनिक रवाना हुआ और स्कॉट अपने 4 बच्चों के साथ वहां पर खड़ा टाइटैनिक को नम आंखों से देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, उसके पैसे डूब चुके थे क्योंकि ये टिकट रिफंडेबल नहीं था, और वो रोता रोता अपने घर आ गया। सिर्फ 5 दिन के बाद, जस्ट 5 डेज लेटर, मंडे 15 अप्रैल पूरी दुनिया को खबर मिली कि टाइटैनिक डूब चुका। उसने अपने कुत्ते को इतना प्यार किया कि आप सोच भी नहीं सकते। वो कुत्ता जिसको वो 5 दिन से गालियां दे रहा था, ईश्वर ने आपके लिए क्या माया जाल रचा है ये तुमको नहीं पता है। जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो टेंशन लेने का जरूरत, बात समझ में आ रही है तो बोलो।